ऐसे डालो क्या, अलग अलग करके डालना टाइम लेस करके मेरे नहीं खाते वक्त नहीं तो आपके फोन में लग रहा। हेलो जी, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर्सनल ब्लॉग में। और आज संडे है तो हम अपनी परंपरा निभाते हुए अपने जिम के दोस्तों के साथ फिर कई नई लोकेशन पे जा रहे हैं और एक नई डिश बनाने हैं। नई डिश क्या है, रेड सॉस पास्ता। और ये डिमांड है देवेश की, डिमांड है स्पेशल देवेश की डिमांड में हम रेड सॉस पास्ता बनाने जा रहे हैं। और मौसम देखो भाई क्या ही तगड़ा हो रहा है, क्योंकि बारिश भी आ सकती है लेकिन चाकू वकू भूल गए तो मनीष गया लेने, फिर वो फटाफट लेकर आता, फिर हम अपनी लोकेशन में पहुंचते हैं और आपको पूरी रेसिपी शेयर करते हैं और रास्ते में जो जो भी होता है वो सब भी आपके साथ शेयर करते। सो दोस्तों फाइनली हम उस लोकेशन पे पहुंच गए, अपनी प्यारी और फेवरेट लोकेशन पे, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारे देवेश के साथ, ठीक है भाई, टाटिया काट गया यार इसको, टाटिया से आज चार टाटिया काट गया इसको भाई। वो डंक नहीं निकलता है, वो डंक नहीं निकलता, उनका डंक इतना छोटा होता है। और ये मजदूरी करते हुए खाना बनाने के लिए मजदूर। और ये क्या, ये भगोला क्यों लेकर आया ये यार, कितना गंदी बातें करता है भाई। लेकिन लोकेशन देखो यार पीछे की, यार व्यू देखो, आज आज भंडारा है हमारी तरफ से, ठीक है। आप सब इस लोकेशन पे पहुंच जाना। क्या मिल गई, अरे तेरी तो, ये जंगलों के बीच में क्या मिल रहा है इसको, ठीक है। फटाफट चलते ऊपर पास्ता बनाते हैं। आपके प्यारे राजू भैया कांटो में से निकाल निकाल के लकड़ी लेंगे और इनको अपने हाथ से तोड़ के जलेंगे, चलो सिर्फ आपको पास्ता खिलाने के लिए। भाई देखो एक एक झाके उठा लिए, फटाफट अब पहाड़ों के ऊपर पहुंचते हैं और आपको टेस्टी लजीज पास्ता की रेसिपी शेयर करते हैं, ठीक है चलो। क्या क्या लखड़ देंगे इसके, बाहुबली आज इसी कांटो से बनाएंगे हम पास्ता। और वो हांडी देखो कितना खुश हो रहा, हांडी देख के यार मेरा हेलमेट नहीं है ईमान से, यार मैं बैग ले लूंगा गाइस। ये खाली हांडी है, खाली हांडी, अभी इसके अंदर पास्ता दिखेगा आपको। चलो सो दोस्तों इस जिम में इतना, सॉरी जिम कह रहा हूँ यार, इस बैग में हमारे सारे खाद्य पदार्थ है। और ये देखो कैसे लेके जा रहे हैं आदिवासी की तरह, ठीक है चलो भाई आज वो जिंदगी जियेंगे लकड़ियों पे खाना बनाना। और ये हमने इससे पहले तो मैगी किया है लेकिन पास्ता फर्स्ट टाइम है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ती जा रही है हमारी टीम, ये देख रहे हो कैसे कैसे मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, ठीक है। ओ चलो नीचे ऐसे आराम से लगी, अब वो पता चला काटे ना। हिमांशु बी बोल और इसको बोल हिमांशु जे, चलो यार हिमांशु बी है हिमांशु जे भाई। देखो ये सामने देख रहा पहाड़, ये पहाड़ इसके ऊपर जाना है हमें, ठीक है। लेकिन मौसम यार, मौसम के तो मजे है भाई, गर्मा मौसम इज ऑसम। हां मौसम इज ऑसम गाइस, ये देखो ओके, ये देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है भाई वीडियो और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 10,000 क्या आदमी है यार, ये कोई डांडा खेलने की चीज लेके जा रहा है। ये देवेश को दिखा तू, क्या दिखाएगा मेरे को, ये देख मुड़ जाओ, ये यमराज का हथियार है, वो गायों का चारा नहीं खींचते। इंटरव्यू दीजिए अपना, क्या कहना चाहेंगे किस बारे में, इस ट्रिप के बारे में। बहुत अमेजिंग ट्रिप है, पर तो थोड़ा सा थक गए हैं तो अभी पास्ता मिलेगा सारी थकान खत्म हो जाएगी। हाँ प्लीज थोड़ा ज्यादा देना, गरम गरम पास्ता। इंटरव्यू दीजिए क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। अरे भाई ब्लॉग में क्या रहा है, इंटरव्यू दीजिए क्या कहना चाहेंगे इस ट्रिप के बारे में। यार मैं क्या बोलूं यार, अब बनेगा जब देखते हैं, मेरे को तो एक प्लेट देने का विचार है। मेरे को देवेश से डर लग रहा है क्योंकि वो एक खेती खा जाएगा, बहुत ज्यादा। क्या कहना चाहेंगे आप, कुछ नहीं बहुत मजा आ रहा है क्यों नदी के पास हम आए। तो ये कैसा रिएक्शन है, मजा आने का रिएक्शन ऐसा होता है क्या, तो कैसा होता है आप कुछ कहना चाहेंगे। बहुत मजा आ रहा है।
और ये आपके भैया स्पेशल कुक मंगाया भाई दुबई से। अरे यार पानी तो पीने के लिए आया भाई। Guys, this is my Janu. देखो गाइस दिखा वापस वही के भेजना आके इस बार ये तो पूरे ब्लॉग में। हां वो वाली फोटो दिखाई नहीं अभी तक इन्होंने किसी को। कौन सी वाली फोटो भाई? कमेंट कर दो कौन सी फोटो देखना है। गाइस ये स्पेशल एसेंस है, ये डालेंगे राजू पे पास्ता में। और जो कोई लव के करेगा मिर्ची मिर्ची वो प्याज साथ काट देना। सो दोस्तों आग नहीं लग रही है तो घास इस्तेमाल डालो 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 ये लो डाल दिया डाल दिया। घास तो लगाओ पहले। ऐसे जलाओगे दिखाओ। और माचिस का नहीं वाली एक और दो ना। मनीष भी मेहनत कर रहा है। अरे लेके आया हूँ अभी तो दिया था तुम्हें। तीन माचिस थी। इन्हें देखे टास चलेगा। गले में कुछ फंस गया क्या? हाँ वो तभी तो ऐसे बोल रही। बाकी बिहारी की तरह चल गई। पहला पहला हार्ड मिशन सक्सेसफुल हो गया। आग लगाना आग लगाना सक्सेसफुल इतना सारा पास्ता नीचे गिरा के वेस्ट कर दिया। सीरियसली अब क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? मैं इसको गाली देने जा रही हूं। पानी डालो पानी डालो। क्या हो गया? पानी डालो प्लीज। ऐसे रिकॉर्ड मत करो यार। पास्ता गिरा। अरे यार महंगे भाव का पास्ता गिरा दिया। गाइस देखो हमारे मोहित और ये मानसू के कारागर रेड्स और पास्ता में आलू लेकर आए। ठीक है तो कोई बात नहीं। थैली में अपना उसने हमारे आंखों के सामने सब्जी डाली। अरे तो फिर आलू कहां से आ गए? वजन बैलेंस करने के लिए डाल दिया। कोई बात नहीं। तो आलू को हम देसी तरीके से आग में पकाएंगे और उसको एंजॉय करते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलो आलू देवता अंदर जाओ। आलू अंदर। ये ठीक है ना यार हम सब दुलवा के जाएंगे। आप चिंता ना करो। पानी नहीं है भाई तो काहे लड़ा में डाल। सब सो रहे थे उठा के लिए हमें तो हो गया। तो गया भाई। मैं सुसान कर रहा था। बस ऐसा नहीं हो रहा। मैं पकड़ता हूं। मैं देखा ऐसे मैं छुआ जाओ पहले चम्मच भी इधर। इसके पीछे एक पत्थर डालो पहले वो पीछे पड़ा जो। हेलो जी जब तक हम काट कुटा के रेसिपी तैयार करते हैं जब तक आप ना टाइम लैप्स एंजॉय करो क्योंकि बहुत ही शानदार मौसम हो रहा है। तो टाइम लैप्स एंजॉय करो जब तक। बटर जा रहा है। हाय हाय बटर आलू सड़ गया रे। आलू फेंक दिया। रुको तो पहले आलू का सिस्टम देख लू क्या है। अरे हो गया यार। हो गया वाह। बस बस कट कर दो। खोल ले। आधा तो चल गया वो। आसे आसे डालो क्या? अलग अलग करके डालना थोड़ा सा। ये डाल दे पहले सॉस। तो गरम है आता वो तो। हिमांशु थोड़े पास आते रहना। हाथ से मत डालो ऐसे करके ही डाल दो। ऐसे चिपक गया ये लो। आधे तो बाहर ही ढोल लेगा ये तो। सोच नहीं रहा हूँ यार ये वो सॉस नहीं डाल रहे। थोड़ा पानी डालो। सॉस डाल। थोड़ा पानी डालो। पानी डाल इसमें। पानी डालो थोड़ा। अरे ओ मत देवेश और भगवान ये कहाँ से उठा के ला रहे इसको। आदि मानो है। मसाला पाव डालो। मैगी मसाला पाव डालो। मसाला पाव छोलो पहले। जल्दी खोलो जल्दी खोलो जल्दी। वो पकेगा नहीं। पानी डालो। अरे तो पहले सोया तो डाल पहले। अरे तुम मसाला पाव डालो। देवेश भैया
पकड़िए भाई पुड़की लेके वो भी तो डाल एंगल चेंज करते रहो हाँ, मैगी मसाला डालो इसके बाद ऊपर चले जाएंगे चारों डालूं हाँ मैगी मसाला तो सब डालो मैगी मसाला दो ही लाए ये लोग महान चार रुक जा अभी ये ऊपर से डालते यार बेवकूफ है यार सब साइड तू सेक भी है ये भी डालो अब ईमान से तोड़ के मैं भी डालो डालो भाई डालो डालो और डालो पानी वो भी डालो मनीष भैया नमक डालना नमक नमक तो डाले नहीं वो पड़े मसाले ये तो बस 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 ये तो इतने ये मीठा मीठा कर देगा पूरा हाँ मीठा वो मीठा वो डालो रेड सॉस डालो और ये वो तंदूरी मेहनीज नमक नमक ये रहा ना कौन सा टाटा नमक है कौन सा ये मासू यहाँ कवर कर अब घूमकर घूमते रहे हाँ ऊपर तक हाँ नमक देखना भाई वो बस गाइस ज़्यादा हो जाएगा सैप जी हाँ डालो स्पाइसी दाल बनाएंगे धनिया नहीं लाया धनिया है ना धनिया है वो तो बाद में डेकोरेशन करने के लिए इसमें मत डालना इसमें पॉपकॉर्न डालेंगे 0.5 अपन बनाते थोड़ा सा अलग निकालेंगे यार हर बार अपन पहाड़ पे बनाते पता है इससे ज्यादा वो लाल वाली सॉस कहां और थोड़ी सी वो डाल टमाटर नहीं नहीं वो वाली अरे वो इसमें अंदर डाल दिए बहुत जल्दी है भाई तेरे को यार अपना बैग पहले तैयार रहने दे कवर करना तो पहले ये डालो आप फुल स्पाइसी बस 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 इसमें कुछ बचा क्या है यार डाल दो पूरा पानी डाल के नहीं नहीं अपन ऊपर से ले लेंगे मोहित ये पानी डाल के इसको थोड़ा खाली कर दूंगा पास्ता तो बन गया हिलाओ अब एक बार आप नहीं नहीं मनीष अपना ही ये ऊपर से डालेंगे सब कुछ है इसमें बस यार वो पूरा फाइनली मेहनत सफल हो गई और ये देखो हमारा पास्ता रेडी है रेड सॉस पास्ता लो उठो इसको सूख जाएगी वो एंजॉय शॉट रेडी चलो फटाफट हटाओ नहीं तो सूख जाएगा चलो मिलते प्लेट में डाल के चम्मच चलो जी पास्ता बन गया एंजॉय कर ले और ये देखो ये बर्तन धो रहे उधर ठीक है उनको बर्तन धोने दो फिर बर्तन धो के थोड़ी देर बैठेंगे उसके बाद घर निकलेंगे उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो मिलते हैं ऐसे किसी बेहतरीन वीडियो में जब तक के लिए टेक कर दो बाय ये तो एंड कर दिया था लेकिन कुछ अच्छी चीजें दिखी तो वापस ऑन कर दें ये देखो शंख दिख रहे हैं ये समुंदर के बाहर जो होते हैं किनारे हाँ ये देखो शंख जैसे शंख है ये क्या है ठीक है अगर शंख है तो बता देना आप शंख है या मैं गलत हूँ ठीक है वाह यार तो मस्त है।